नमस्कार दोस्तों, चलिए तो हम लोग बात करेंगे आज बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। ये आपका आर्टिकल है समुद्री सुरक्षा से संबंधित, तो देखेंगे कि आखिर किस संदर्भ में अभी चर्चा में बना हुआ है और क्यों आवश्यक है समुद्री सुरक्षा, और समुद्री सुरक्षा में आखिर चुनौतियां क्या क्या आ रही, समस्याएं उस पर भी बात करेंगे। स्टिंग ऑफ पर्ल, ये शब्द भी आप लोग कई बार सुनते रहते हैं, आखिर ये होता क्या है, इस पर भी बात करेंगे हम लोग। समुद्र में अवैध गतिविधि के क्षेत्र कौन कौन से हैं और भारत की समुद्री सुरक्षा रणनीति से जुड़े प्रमुख अवयव क्या रहे हैं, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि भारत अभी वर्तमान में भारत व चीन के मध्य स्थलीय सीमाओं को लेकर तनाव व्याप्त है। यह तनाव उस समय अपने चरम पर पहुंच गया जब गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के मध्य सैन्य झड़प हुई और हमारे कई सैनिक शहीद हो गए। इस घटना के बाद दोनों देशों के मध्य सैन्य स्तर पर वार्ता जारी है जिससे शांतिपूर्ण हल निकलने की संभावना है। निश्चित रूप से इस प्रकार की घटनाओं के बाद भारत अपनी सुरक्षा रणनीति का विश्लेषण कर रहा है। यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि किसी भी देश के लिए जितनी महत्वपूर्ण उसकी स्थलीय सीमा है उतनी ही महत्वपूर्ण जलीय सीमा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे वैसे पाकिस्तान से तो हमेशा से हमारे रिश्ते खराब ही चलते आए हैं, उसके बाद आपने देखा है कि नेपाल भी अब सिर उठाने लगा है, और इससे भी हमारे जितने खराब से खराब रिश्ते हो सकते थे पहली बार उतने हमारे नेपाल से भी खराब रिश्ते हो चुके हैं। चाइना से हमेशा समय समय पर खराब बनते ही रहते हैं। देखिए, आपका ये श्रीलंका है भारत के पड़ोसी देश, उसमें बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से पीओके वाला हिस्सा लगता है, और चीन, याद रखिए चीन का हमसे हिस्सा नहीं लग, यानी कि सीम चीन से हमारी सीमा नहीं लगती थी, लेकिन आपने देखा है कि तिब्बत को जिस तरह से चीन ने हड़पा है उसके बाद हमारी सीमा तिब्बत से लगने लगी। तिब्बत से लगती थी तो चीन का हिस्सा हो गया तिब्बत, तो अब हमारी सीमा चीन से लगने लगी। और याद रखिए चीन से जितने देशों की, यानी कि करीब 13-14 देशों की सीमा लगती है, और इन सभी से चीन का विवाद चलता रहता है। चीन जिस तरह से आपने देखा होगा कि अंग्रेजों ने विस्तारवादी नीति अपनाई थी ना, वही काम आजकल चीन भी कर रहा है, वह भी आपका विस्तारवादी नीति अपना रहा है। तो अभी हमारा जो झड़प हुई थी सैनिकों के बीच यहाँ हुई थी लद्दाख वाले हिस्से में, जो LAC है ना लद्दाख में, अक्साई चीन वाला हिस्सा, यही हुई थी। नेपाल को आपका उत्तराखंड के पास यहाँ विवाद बना हुआ है उत्तराखंड से, और पाकिस्तान से आप देखते हो कि पूरा पीओके वाला हिस्सा यहाँ आपका बना है जो आपके लद्दाख के क्षेत्र में आता है। कुछ अभी दो भागों में बांट दिया गया ना, जम्मू कश्मीर राज्य को आपका लद्दाख और जम्मू कश्मीर। विशाल भारतीय प्रायद्वीप और इसके चारों ओर फैली हुई द्वीपीय श्रृंखला की सामरिक अवस्थिति के कारण ये क्षेत्र समुद्री सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 90%, कितना 90%, यानी कि एक बहुत बड़ा हिस्सा, तथा 70% मूल्य के आधार पर समुद्री मार्ग से संचारित होता है। अतः भारत की सुरक्षा रणनीति में समुद्री सुरक्षा एक महत्वपूर्ण अवयव भी है। भारत का अपना एक समृद्ध समुद्री इतिहास रहा है। समुद्री क्रियाकलापों संबंधों संबंधी बातों का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। कब? ऋग्वेद में, प्राचीन भारत में पहुंच गए हम लोग। भारतीय पुराणों में महासागर, समुद्र और नदियों से जुड़ी हुई ऐसी कई घटनाएं मिलती हैं जिससे इस बात का पता चलता है कि मानव को समुद्र और महासागर रूपी संपदा से अत्यधिक लाभ हुआ है। भारतीय साहित्य कला, मूर्तिकला, चित्रकला और पुरातत्व विज्ञान से प्राप्त कई साक्ष्यों ने से भारत की समुद्री परंपराओं का अस्तित्व प्रमाणित होता है। आखिर क्यों आवश्यक है आपकी समुद्री सुरक्षा? वैसे आप लोग देख चुके हैं कि एक बड़ा हिस्सा हम लोग आयात निर्यात भी करते हैं यहाँ से, तो इसलिए भी जरूरी है। भारत एक प्रायद्वीपीय देश है जो पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में आपका हिंद महासागर, पूर्व में आपका बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। यहाँ दिखा देते हैं आपको, याद बना रहेगा। देखिए, आपका अरब सागर हो गया, बंगाल की खाड़ी हो गई, इसके बाद ये आपका हिंद महासागर लगा हुआ है, पूरा हिंद महासागर। आप समझ सकते हैं कि हिंद महासागर का नाम हमारे ही देश के नाम पर रखा गया है, हिंद, हिंदुस्तान।
भारत अपनी जलीय सीमा पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया जैसे देशों के साथ साझा करता है। देखिए, ये आपका क्या हो गया, पाकिस्तान, यहाँ से श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, उसके बाद थाईलैंड हो गया, मलेशिया, सिंगापुर, ये सभी, ये आपका मालदीव है। भारत के उत्तर में स्थित पाकिस्तान से सीमा पार आतंकवाद की लगातार गतिविधियों, अधिक सैन्य क्षमता प्राप्ति और परंपरागत संघर्ष में परमाणु हथियारों का प्रयोग करने की घोषित उद्देश्य के कारण उतार चढ़ाव वाले संबंध बने हुए हैं। वर्ष 2016 में पाकिस्तान ने समुद्र के रास्ते भारत में घुसपैठ कराने का नाकाम प्रयास भी किया था। और आपने देखा है, कई बार आतंकवादी आपके यहाँ से अरब सागर की तरफ से भी आए हुए हमारे देश में। भारत की विभिन्न देशों के साथ लंबी जलीय सीमा से कई प्रकार की सुरक्षा संबंधी चिंताएं उत्पन्न होती हैं। इन चुनौतियों में समुद्री द्वीपों, निर्जन स्थानों में हथियार, गोला बारूद रखना, राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा उन स्थानों का प्रयोग देश में घुसपैठ करने एवं यहाँ से भागने के लिए करना, अपतटीय एवं समुद्री द्वीपों का प्रयोग आपराधिक क्रियाकलापों के लिए करना, समुद्री मार्गों से तस्करी करना आदि शामिल है। समुद्री तटों पर भौतिक अवरोधों के न होने तथा तटों के समीप महत्वपूर्ण औद्योगिक एवं रक्षा संबंधी अवसंरचनाओं की मौजूदगी से भी सीमा पार अवैध गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना अधिक होती है। आपने सुना होगा कि मुंबई के हमले में ये आपके समुद्री के रास्ते से ही आतंकवादी आए हुए थे। मुंबई के हमले के बाद से तटीय अपतटीय समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार ने कई कदम भी उठाए। आखिर समुद्री चुनौतियां क्या क्या हमारे सामने हैं? संगठित अपराध, समुद्री रास्तों से हथियारों, नशीले पदार्थों, मानव तस्करी संगठित अपराधों के रूप में एक बड़ी सामुद्रिक सुरक्षा चुनौती है। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2020 के अनुसार वैश्विक महामारी COVID-19 के दौरान भी मादक द्रव्यों की तस्करी अनवरत रूप से जारी रही, यानी कि इस समय भी रोक ये बराबर चलती रही। लॉकडाउन के कारण स्थलीय सीमाओं पर होने वाला आवागमन प्रतिबंधित था, परंतु मादक द्रव्यों व मानव तस्करी समुद्री मार्ग के द्वारा की गई। समुद्री डकैती, अरब सागर के क्षेत्र में सोमालियाई लुटेरों ने भारतीय व्यापारिक जहाजों को सदैव खतरा बना रहता है। कोलाराडो स्थित वन अर्थ फाउंडेशन की रिपोर्ट के अनुसार समुद्री डकैती की वजह से दुनिया भर के देशों को प्रतिवर्ष आपका 7 से 12 अरब डॉलर का व्यय करना पड़ता है। इसमें उन्हें दी जाने वाली प्रवृत्ति, जहाजों का रास्ता बदलने के कारण हुआ खर्च, समुद्री लुटेरों से लड़ने के लिए कई देशों की तरफ से नौसेना की तैनाती, कई संगठनों के बजट इस अतिरिक्त व्यय में शामिल है। आतंकवाद, समुद्री मार्ग से आतंकवाद का दंश भी भारत झेल चुका है। 26/11 का जो मुंबई हमला हुआ था, इसमें भारतीय समुद्री सुरक्षा पर बड़े प्रश्न चिन्ह पहले ही खड़ी हो चुके थे। स्वतंत्र नौवहन में बाधा, चीन द्वारा भारतीय सीमा के समीप विकसित किए जा रहे बंदरगाहों ने तनाव की स्थिति उत्पन्न कर दी है, जिसके कारण भविष्य में भारत के लिए स्वतंत्र नौवहन चुनौतीपूर्ण हो सकता है। चीन द्वारा भारत के चारों ओर बंदरगाहों का इस प्रकार विकास कि उसकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल नीति को दर्शाता है। आखिर ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल नीति होती क्या है? स्ट्रिंग ऑफ पर्ल हिंद महासागर क्षेत्र में संभावित चीनी इरादों से संबंधित एक भू राजनीतिक सिद्धांत है, जो चीनी मुख्य भूमि से सूडान पोर्ट तक फैला हुआ है। वर्ष 2017 में चीन ने जिबूती में अपनी पहली विदेशी सैन्य सुविधा शुरू की। वह अपने महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के हिस्से के रूप में श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, अब अफ्रीका के पूर्वी तक, तंजानिया और केन्या में बुनियादी ढांचे में भी भारी निवेश कर रहा है। इस प्रकार की गतिविधियां चीन की भारत को चारों ओर से घेरने की कोशिश को दर्शाती है, जिसे स्टैंग ऑफ पर्ल कहा जाता है। क्योंकि आप देखते हैं कि चीन से पाकिस्तान की अच्छी मित्रता बनी हुई है। अब आपने देखा है कि नेपाल भी चीन के जैसी ही बात करने लगा है, चीन के कहने पर ही चलने लगा है। श्रीलंका का आप हाल देखते हैं, ये कि वहां भी चीन ने एक अच्छा दबदबा बना लिया। समुद्र में अवैध गतिविधि के क्षेत्र में अगर हम लोग बात करें, तो समुद्र में अवैध गतिविधियों के लिए दो समुद्री क्षेत्र सबसे ज्यादा बदनाम है। पहला क्षेत्र अदन की खाड़ी से पूर्वी अफ्रीका तक और दूसरा क्षेत्र पश्चिमी अफ्रीका में
गिने की खाड़ी तक। याक की कहाँ है देख लीजिए, याक की अदन की खाड़ी ये है, और ओमान की खाड़ी ये है, पारस की खाड़ी है लाल सागर, ठीक है, याक का भूमध्य सागर है, कैस्पियन सागर, ठीक है। वर्तमान में समुद्र में होने वाली आपराधिक गतिविधियों में सबसे अहम बात है हथियारबंद लुटेरों द्वारा किसी जहाज को लूटना। इन दोनों ही क्षेत्रों में जहाजों को अगवा कर लूटपाट किया जाता है। इसके साथ ही लोगों को बंधक बनाकर उनसे फिरौती वसूली जाती है। इससे कई देशों को नुकसान पहुंचता है। इससे विश्व अर्थव्यवस्था के लिए भी खतरा माना जाता है। अध्ययन से पता चला है कि समुद्री डकैती मूल रूप से अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, लेटिन अमेरिका पर असर डालती है। जहाजों पर हमले की घटनाएं कैरिबियाई समुद्री लेटिन अमेरिका में कम ही होती हैं। 1990 के दशक के दौरान दक्षिणी पूर्वी एशिया में भी समुद्री जहाजों पर हमले की हिंसक घटनाएं होती हैं। अगर भारत की समुद्री सुरक्षा रणनीति से जुड़े प्रमुख अवयव हम लोग देखें तो अवरोध की नीति रणनीति यह भारतीय सुरक्षा की मूलभूत रणनीति है। संभावित संघर्षों को टालना, अवरोध करना भारतीय सुरक्षा बलों का प्रमुख उद्देश्य है। इस रणनीति के अंतर्गत भूलवश भारत की जलीय सीमा में प्रवेश करने वाले जलयानों या फिर नौकाओं को सुरक्षा जांच के बाद वापस कर दिया जाता है। संघर्ष की रणनीति भारत के विरुद्ध संघर्ष के दौरान भारतीय सुरक्षा बलों के संसाधनों में वृद्धि इसका उद्देश्य है। इस रणनीति के अंतर्गत युद्ध के दौरान नौसेना बलों को पर्याप्त मात्रा में रसद सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। अनुकूल समुद्री माहौल के लिए रणनीति इस रणनीति के अंतर्गत शांति काल के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा किए जाने वाले कार्यवाही शामिल है। इसका लक्ष्य मित्र देशों के समुद्री सुरक्षा बलों के मध्य आपसी सहयोग और अंतर संचालन द्वारा सुरक्षापूर्ण तथा स्थायी युक्त माहौल तैयार करना। तटीय एवं अपतटीय सुरक्षा की रणनीति इसके अंतर्गत तटीय समुद्रों समुदायों की भागीदारी के माध्यम से सुरक्षा बलों की संचालनीय क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया जाता है। निगरानी और अंतर एजेंसी समन्वय सतर्कता के लिए भारत को बेहतर निगरानी की आवश्यकता है। तटीय रडार श्रृंखलाओं की स्थापना में तेजी लाने और सूचना तक व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के अलावा केंद्र सरकार को कई एजेंसियों ओवरलैपिंग क्षेत्र अधिकारों के साथ और प्राधिकरणों में होने में देरी से होने वाली बातचीत से उत्पन्न समन्वय की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। विधायी ढांचे की आवश्यकता शिपिंग और बंदरगाह दोनों क्षेत्र में को कवर करते हुए भारत के समुद्री बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए उचित व्यवस्था व प्रक्रियाएं बनाने हेतु व्यापक कानून को लागू किया जाना चाहिए। सरकारी विभागों, पोर्ट ट्रस्ट, राज्य समुद्री बोर्डों, गैर प्रमुख बंदरगाहों, निजी टर्मिनल ऑपरेटरों और अन्य हितधारकों के वैधानिक कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से रेखांकित करने की आवश्यकता है। साथ ही बंदरगाह सुरक्षा के न्यूनतम मानकों के वैधानिक अनुपालन को भी स्पष्ट रूप से रेखांकित करना होगा। राष्ट्रीय वाणिज्यिक समुद्री सुरक्षा नीति दस्तावेज समुद्री सुरक्षा हेतु अपनी रणनीतिक दृष्टि को स्पष्ट करने के लिए सरकार को राष्ट्रीय वाणिज्यिक समुद्री सुरक्षा नीति दस्तावेज जारी करना होगा। बंदरगाह और शिपिंग बुनियादी ढांचे कुशल और समन्वित और प्रभावी कार्रवाई व वाणिज्यिक समुद्री सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति स्पष्ट रूप से बनाना चाहिए। समुद्री सुरक्षा बलों की क्षमता विकास की रणनीति इसके अंतर्गत तकनीकी उन्नयन के माध्यम से युद्धक क्षमता के विकास पर ध्यान दिया जाता है। पर आपका नौसैन अभ्यास द्विवार्षिक अभ्यास सागर कवच इसका प्रमुख उदाहरण है, जिसे भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल और तटीय पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। अब लास्ट में निष्कर्षता क्या कहा जा सकता है कि समुद्री सीमा की सुरक्षा कारोबार के अहम समुद्री रास्तों, विशेष आर्थिक क्षेत्र और समुद्री संसाधनों का उचित इस्तेमाल होना जरूरी है। इसके लिए कानून को सही तरीके से लागू करना आवश्यक है और तमाम देशों के बीच सूचना के आदान प्रदान को बेहतर बनाने और समुद्री सीमाओं के प्रबंधन को बेहतर करने की जरूरत है। भारत के वैश्विक उद्यान के लिए समुद्री सुरक्षा एक महत्वपूर्ण कड़ी भी है। भारत महासागरीय संसाधनों का लाभ अपने आर्थिक विकास के लिए तभी उठा सकता है जब उसकी समुद्री सुरक्षा उच्च स्तरीय हो। तो यह हाल था आपकी समुद्री सुरक्षा का।